तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपका एक गेमिंग चैनल है, चाहे वो पबजी से रिलेटेड हो, फ्री फायर से हो, चाहे कोई भी गेमिंग चैनल हो, तो अपने गेमिंग चैनल के लिए एकदम बेस्ट लोगो आखिर कैसे बनाया जाता है, कोई भी बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए, बिना कुछ किए अपने गेमिंग चैनल के लिए आप लोग लोगो बना सकते हो। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो है वो गेमिंग ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो बनाया है जिस पर कि मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ में एक है वो, इसलिए मेरे पास गेमिंग के काफ़ी सारे ऑडियंस है। तो बिना कोई एप्लीकेशन, बिना किसी का यूज़ किए, डाउनलोड किए, मैं आप लोगों को एकदम बेस्ट से बेस्ट लोगो बनाने का तरीका सिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। तो चलिए बिना कोई देरी किए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में आना है, यहाँ पर सर्च करना है प्लेसियाट, ठीक है, ये वाला है प्लेसियाट। जैसे आप लोग सर्च करते हो ना, ये लोगो मेकर वेबसाइट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट वाला वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होता है। ध्यान से समझना, जो कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा हो वो ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो आपको अब करना क्या है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर सर्च बार है ये वाला, तो आपको यहाँ पे उसके ऊपर थ्री लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे जो है आपको लोगो पे क्लिक कर देना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ऊपर में सर्च बार है, सर्च बार पे क्लिक करना है आप लोगों को, और यहाँ पे सर्च करना है गेमिंग सर्च करना है ऐसे करके। जैसे आप लोग गेमिंग सर्च कर देते हो ना दोस्तों, तो यहाँ पर अब समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो आपको अब क्या करना है, गेमिंग सर्च करते ही ना दोस्तों यहाँ पे एक नया डैशबोर्ड ओपन होके आएगा, जैसा कि ये वाला। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल गए। अब आपको करना क्या है, मान लो आपको यहाँ से एक सिलेक्ट करना है, कोई भी सिलेक्ट करना है। तो चलो मैं सबसे पहले एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे जो अच्छा लगे वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों कौन सा मैं ले लेता हूँ, जैसा कि मान लो, हाँ रुको दोस्तों मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ अच्छा वाला। तो मान लो दोस्तों मैंने यही सेलेक्ट किया, ठीक है, ये वाला मान लो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देखो अलग अलग चेंजेज आ रहा है यहाँ पे लोगों में, तो आपको क्या करना है, एडिटिंग वाले पे क्लिक कर देना है, एडिटिंग एडिट दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा। ध्यान से समझना, आपको ज़्यादा माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर का वीडियो मत देखो, एक ही वीडियो में सारा कुछ आपको समझा देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा ओपन होने देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखो दोस्तों ओपन हो चुका है, ठीक है, कुछ ऐसा ओपन हो के आया है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो लोगो पे कुछ और ही नेम यहाँ पर लिखा है, तो मुझे क्या करना है, ये शूटिंग वाले को चेंज कर देना है। तो मैं क्या लिखूँगा, जैसा कि मेरा है मनीष स्वर्णकार, तो मैं मनीष लिख दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे शूटिंग पे क्लिक करूँगा और इसको जो है कट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूँगा मनीष ऐसे करके, और डन कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे शूटिंग हट के मनीष लिखा आ जाएगा, यहाँ पर देखो हो गया। अब लास्ट नेम जो है मेरा, वो मैं यहाँ पे पॉइंट हटा करके अपना नाम लिख दूँगा, पॉइंट को कट किया स्वर्णकार, चलो डन। तो देखो दोस्तों डन हो गया, अब यहाँ पे फिर से ही वहाँ पर लिखा आ जाएगा स्वर्णकार, देखो हुआ ना एकदम बेस्ट। अब यहाँ पर देखो आप लोग कलर चेंजेस भी यहाँ से कर सकते हो, और यहाँ से ग्राफिक पे क्लिक करके आप लोग इसका ग्राफिक भी चेंज कर सकते हो, बट मुझे बेस्ट लग रहा है, आप लोग यहाँ से जो चाहे वो एडिटिंग कर सकते हो। एडिटिंग करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा वो समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट भी ऐसे करके चेंज कर सकते हो, कोई और टेक्स्ट ऐसे करके लगा सकते हो, हालांकि मुझे ये ठीक लग रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने टेक्स्ट भी चेंज कर दिया है। अब दोस्तों जो लास्ट काम है इसको सेव करना है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों का गेमिंग चैनल के लिए एक बेस्ट लोगो बन चुका है। अब इसको क्या करना है, अपने गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली इसको ऐसे करके डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आप चाहो तो इसका प्रीमियम भी परचेज कर सकते हो, ट्रायल्स फ्री में मिलता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, इसका प्रीमियम आप लोग खरीद सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। थ्री डॉट पे क्लिक करके आप लोग इस टेम्पलेट को अपने ड्राफ्ट में सेव भी ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोगों को अपना गेमिंग चैनल का एक लोगो बनाना है,
आई होप आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना, शेयर कर देना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो।